नमस्कार, मैं प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। बिहार में पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट संकेत दे दिए हैं कि आने वाले 15 दिनों में चुनाव हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ लगातार हो रही बारिश के कारण कई क्षेत्र बाढ़ की चपेट में हैं। कई क्षेत्रों में बाढ़ का संकट गहराने लगा है। हमारी टीम रोजाना अलग अलग पंचायत क्षेत्रों में जाती है और आपको वहां की समस्याओं से रूबरू करवाती है। इसी कड़ी में आज हमारी टीम ग्राम पंचायत रसुलपुर प्रखंड सोनपुर पहुंची और वहां के वर्तमान मुखिया मनुलाल भगत से मुलाकात कर ये जानने की कोशिश की कि इस वक्त उस क्षेत्र में क्या स्थिति है, वहां के लोगों को बाढ़ की कितनी समस्या को झेलना पड़ रहा है। तो आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं ग्राम पंचायत रसूलपुर प्रखंड सोनपुर के मुखिया मनुलाल भगत से। नमस्कार मुखिया जी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार न्यूज में जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। रसूलपुर पंचायत की जनता की तरफ से आपको भी बहुत बहुत स्वागत। मुखिया जी, लगातार बारिश हो रही है, किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है आपके क्षेत्र के लोगों को? मैडम, बारिश हो रही है, बारिश से सामना तो करना ही पड़ा है। बेमौसम बारिश हुआ है, इसके बाद बाढ़ ने तबाही मचा कर रख दिया है मेरे पंचायत। अच्छा, बाढ़ की दीरा क्षेत्र के चार बार जो है 10-11-12-13 प्रलय की स्थिति हो गई है वहां पर, कि मचान पर चढ़ के शौच करते हैं लोग। आज तकले वहां पर कोई भी सीओ साहब चाहे प्रशासनिक व्यवस्था से कोई मदद नहीं दिया गया। जब हम लोग जाके ब्लॉक में बैठते हैं, सीओ साहब से बात करते हैं तो कहते हैं इस पर सोचते हैं, वहां पर जबकि नाव की व्यवस्था कुछ अपने तरफ से कुछ सामाजिक लोगों की तरफ से किया गया है। कल उनसे कहा गया तो 5 नाव की व्यवस्था कराया जो गया है, जबकि वहां पर देहरा क्षेत्र में कहीं पर एक वार्ड में 20 घर है, कहीं 5 घर है, कहीं 10 घर है। इसे बहुत नाव की जरूरत है, वह समस्या पूरा नहीं हुआ। इसके बाद खाने के लालाय थे वो लोग। इसके बाद हमने सीओ साहब से बात किया कि किचन खोल करके वहां पर खाना खिलाया जाए दीरा के लोगों को, रमसापुर गरीबपट्टी मिर्जापुर बनवारी चक के लोगों को। उन्होंने कहा कि दीरा क्षेत्र में किचन खोलना मेरे लिए मुखिया जी संभव नहीं है। हम क्यों संभव नहीं है, यह सरकार की योजना है। माननीय मुख्यमंत्री जी घूम घूम कर कह रहे हैं किचन चल रहा है, सभी लोगों को खाना खिलाया जा रहा है, तो रसूलपुर की जनता को, दीरा क्षेत्र की जनता को क्यों नहीं खिलाया जाएगा? नहीं खिलाया जाए पहले जाए बनाइए खाना, और खाना बना करके रोज के रोज वहां पर नाव से पहुंचाइए। आपके पास सारी व्यवस्था है, सरकारी मशीनरी है, मेरे जनता को मरने मत दीजिए। बड़ बीमारी से जूझ रहा है उसके लिए स्पेशल व्यवस्था कीजिए। उन्होंने कहा कि वहां व्यवस्था होने की संभावना नहीं है कि हम कुछ वहां बंटवाएंगे, ना आज तक अभी बंटा ना कुछ गया वहां पर कोई सरकारी तंत्र से। और वहां के लोग हमारे पंचायत की जनता त्राहिमा तरमाई कर रहे हैं, न खाने की व्यवस्था है, मालगर की चारा है, न कुछ है, न वहां पर पोलिथीन की व्यवस्था की गई, न तिरपाल, किसी की व्यवस्था नहीं किया गया वहां पर। और क्या कहा जाए, माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा करते हैं ठीक है, लेकिन उनके आला अधिकारी लोग नहीं सुनते इस बात को। मुखिया जी, कितने दिनों से यह समस्या है आपके क्षेत्र में? लगभग 14-15 दिन से समस्या मेरे पंचायत में है। तो कोई वरीय अधिकारी निरीक्षण के लिए पहुंचा आपके क्षेत्र में? कोई नहीं पहुंचा अभी तक मैडम, मैं जानकारी देते रह गया, कोई नहीं पहुंचा। अब यहाँ पर है कि बड़े बड़े पद पर रहने वाले तो जहां पर है, लेकिन छोटे पद पर सबसे निचला इकाई के मुखिया होता है। जो भी बदलामी आता है मुखिया के सर पर आता है कि मुखिया जी नहीं किया। मुखिया जी तो जो बन पाता है से जनता के साथ प्रेम व्यवहार बांटते हैं, लेकिन ये प्रलयकारी बाढ़ आ गया हमारे धीरा क्षेत्र में, इसमें मुखिया जी क्या कर सकते हैं? यही ना कर सकते हैं कि मैंने संवेदना रख सकते जनता के साथ में, ये ऊपर से कुछ हमें नहीं सहायता मिलेगा। तो मुखिया जी, ये बाढ़ की समस्या इस साल हुई है ना, हर साल आपके यहाँ यही समस्या रहती है? बाढ़ की समस्या दीरा क्षेत्र में थोड़ा बहुत हर साल होती रहती है, लेकिन अगली बार और ज्यादा है, बेहतर है, बहुत ज्यादा है। जबकि हमने आपके साथियों को दिखा दिया है कि मेरा पंचायत 14 किलोमीटर लंबा है, दरियापुर ब्लॉक से लेकर के पटना के मानस पंचायत तक मैडम है। 14 किलो में केवल नया गांव बाजार के आधा किलोमीटर चाहे आधा किलोमीटर से कम ही रेलवे स्टेशन और नया गांव बाजार बचा हुआ है, नहीं तो पूरा पंचायत मेरा जलमग्न हो गया है। पटना मानस के बगल से लेकर दरिया ब्लॉक तक के जो भी हमें जमीन है, न खेती में कहीं अरान बचा है, न परोर बचा है, न घिवरा बचा है, लौका बचा है। खेतियर वाले बेचारे मर गए, माल बेवसी वाले मर गए, न चारा की व्यवस्था हुआ, न कोई अभी तक न कोई कृषि विभाग वाले आए जांच करने के लिए। हमने बोला था कृषि विभाग वाले की भाई जो फसल क्षति हो गया उसको जायजा ले लीजिए, कोई अभी तक नहीं आया।
मुखिया जी, आपके क्षेत्र में आप बता रहे हैं कि बाढ़ की समस्या हमेशा लगी हुई रहती है, तो इसके लिए क्या कार्रवाई हुई? आपने कहीं पर शिकायत किया था इससे बचाव के लिए, कुछ उपाय के लिए? जी मैडम, अगले 2016 के चुनाव में जब मैंने चुनाव जीता था, उसके बाद अगले ही चुनाव बाढ़ से बांध टूट गया था, तो हमने जो भी सरकारी योजनाएं से फंड थी उससे बांध को मजबूत कर दिया गया, लेकिन यह नया गांव इलाका रसूलपुर और महमूदचंद राजस्व ग्राम है, इसके लिए मजबूत किया गया, लेकिन दीरा क्षेत्र के लिए बांध के लिए तो सरकार को चाहिए कि रिंग बांध बनवावे, घेरे उसको सरकार, तभी जाके बच सकता है, नहीं तो हर साल की समस्या ही रहेगी। तो सरकार की तरफ से इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई? जी मैडम, अभी कोई कार्रवाई नहीं है, बाढ़ खत्म हो जाता है तराशा खत्म हो जाता है। एक कहावत है मैडम, कह दूं, एक कहावत है मैडम, कह दूं, बोलिए बोलिए, कह देता हूं कि एक कहावत है, बुजुर्गों ने कहा करते थे हम लोगों से कि रात के जब सियार भाई के जार लगता था तो कहता था कि कल होकर के मैं मान बनाऊंगा, और जब कल होकर के धूप लगता था तो चलो फिर देखा जाएगा, जब बाढ़ आता है तो सरकार के द्वारा होता है कि ये रिंग बांध बांधेंगे, वो बांधेंगे, ये व्यवस्था करेंगे, जैसे ही बाढ़ का पानी डाउन हुआ उससे कोई मतलब नहीं रखा जाता है मैडम। ये बताइए मुखिया जी कि इस तरह की परेशानी और समस्या है तो आपके स्थानीय विधायक क्या कर रहे हैं, वो कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं आपको? स्थानीय विधायक का अपना कार्य क्षेत्र अलग है, अब वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो विधायक जी अपना पूरा लंबा क्षेत्र उनका है, अब कहाँ जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। हमारे पंचायत बुद्धि पहले रात में आए थे, बाढ़ हमारी साफ हो रहा था, वहां पर जाकर के हमने ट्रैक्टर से माटी कर ली, दरवाजे पर से काट के माटी नहीं मिला तो बांध को रिसाव को बंद करवाए, फिर विधायक जी आए थे वहां पर देखने के लिए रात में। जी, और क्या समस्या झेलनी पड़ रही है लोगों को वहां पर? जी, और इस तरह की परिस्थिति में लोगों को और क्या समस्या सामने आ रही है? सामने समस्या आ रही है कि पहले नंबर तक खाना पीना की समस्या है, बड़ बड़ी समस्या है, पशुओं का तबियत खराब हो रहा है, चारा की समस्या है, उसके बाद में यहाँ पर समस्या अनेकों समस्या है बीरा क्षेत्र के लेकर के, जैसे समस्या है कि आज बाढ़ में जाने आने में दिक्कत हो रहा है हम लोग को, चाहे आपके साथी लोगों को, चाहे पदाधिकारी लोगों को, 2 साल पहले जाके पुल के लिए, पक्का पुल के लिए नापी हुआ, नापी के हुआ कि 2 साल में हाथ लगेगा, यदि वह पक्का पुल ढाई दिन रहता बन जाता तो मैडम आज कोई दिक्कत नहीं होता, ना वहां पर सहायता राशि पहुंचाने में दिक्कत होता, नहीं हम लोग को जाने में दिक्कत होता, नहीं मीडिया वाले भाई को जाने में दिक्कत होता, नहीं डीएम साहब जाने में दिक्कत होता, नहीं बीडीओ साहब जाने में दिक्कत होता, सभी पदाधिकारी में दिक्कत नहीं होता वहां पर, लेकिन इस पर सरकार नापी जो करवा करके छोड़ देते हैं, पीपल बनता है 2-3 महीने के लिए, बाढ़ आता है खत्म हो जाता है, फिर वो जलमग्न हो जाता है दीरा क्षेत्र। मुखिया जी, स्वास्थ्य की क्या स्थिति है आपके क्षेत्र में इस वक्त, अगर कोई बीमार पड़ जाए स्वास्थ्य केंद्र खुल रहा है? स्वास्थ्य केंद्र है आपके यहाँ? ना, कुछ नहीं है। वैक्सीनेशन का कार्य हुआ है आपके क्षेत्र में? वैक्सीनेशन के कार्य शुरू में 100-200 आदमी को मिला था, उसके बाद बार बार हम कहते रहे जीपीएस साहब, वीडियो साहब, चाहे रेफर प्रभारी को, उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन मेरे पास उपलब्ध नहीं है इसलिए नहीं आ सकता। वहां पर पंचायत में जिनको लेना है जाके हॉस्पिटल में ले, नया जो अस्पताल है उसी में 200 वैक्सीनेशन जाता है, 400 जाता है, पूरे जवाहर के लोग 1000 लाइन लगाए रहते हैं, यही दशा है। पंचायत सबसे पहले वैक्सीनेशन लिया था। अच्छा, तो क्या जवाब मिला? आगाह करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होता है, अब जब वैक्सीनेशन लेने लोग तैयार है तो वैक्सीनेशन हमारे पंचायत भेजा नहीं जा रहा है, लोग कहते हैं वैक्सीनेशन है नहीं, बेड दे करके एनएम मैडम जो है बोलते है कि मुखिया जी बेड पड़ा लेकिन वैक्सीनेशन अलग चला गया, अब क्या हो रहा है वैक्सीनेशन पर राजनीति मैडम मैं नहीं जानता, लेकिन वैक्सीनेशन मेरे पंचायत में नहीं आ रहा है, लोग जाके कोई सुरपुर ले रहा है, कोई दरियापुर ले रहा है, कोई नया थाना तक ले रहा है, कोई जाके पटना ले रहा है, क्या करे? यह तो सरकार की तरह है कि फिर वैक्सीनेशन देना है पंचायत में, लेकिन नहीं आ रहा है। हमारे यहाँ एक उप स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है सभा भवन में, तो वहां पर भी वैक्सीनेशन नहीं होता है। मुखिया जी, हमारे दर्शकों को बताएं कि आपने अपने क्षेत्र में विकास के और क्या क्या कार्य किए हैं, कौन कौन सी योजनाएं धरातल पर उतरी हैं आपके क्षेत्र में? मैडम, सबसे पहले तो धरातल पर जब हमने चुनाव जीता था तो धरती हमारे पंचायत में वृद्धा पेंशन कितना समस्या था कि माताएं बहने बुजुर्ग बहुत तड़प रही थी, फिर भी लेकिन उसको फॉर्म भरवा करके किया गया, सरकारी योजना के अनुसार वृद्धा पेंशन कराया गया। इसके बाद नल जल के जो कार्य आया, नल जल के कार्य 13 वार्ड है मेरे यहाँ, 12 वार्ड में पानी चल रहे हैं, 1 वार्ड में पानी की समस्या, जमीन की समस्या वगैरह वगैरह कुछ लेकर के नहीं हो पाया है, तो
तो नल जल की समस्या 12 वार्ड में चल रहे हैं। अब नल जल क्या चलेगा मैडम, 4 वार्ड में दीरा में 4 बोर नल जल है, वहां पर जलमग्न है, पूरा ट्रांसफार्मर डूब चुका है, वहां पर बिजली काट दिया गया है एक हफ्ता से, दीरा में बिजली नहीं जा रही है, पानी कैसे पिएंगे दीरा के लोग, समस्या बनी हुई है। मुखिया जी, इस तरह की स्थिति में चुनाव कराने के पक्ष में हैं आप, क्या लगता है आपको, सही है चुनाव कराना इस वक्त? मैडम इस परिस्थिति में चुनाव कराना संभव नहीं है, लेकिन माननीय सरकार के द्वारा जब कराया जाएगा तो जनता तो वोट डालेगा, है ना, आज कराएगा तो आज, कल कराएगा तो कल, और वो तो मुख्यमंत्री जी की सोचना है, चुनाव की सोचना है कि यह परिस्थिति में है, कोरोना काल का तीसरा लहर आ रहा है, उसके बाद में यह बाढ़ की समस्या है, क्या हो रहा है, कैसे कराएंगे, जब वो कराएंगे जनता सोचेगी, अपना वोट देना है जनता को, न जनता रोक सकती है न कोई, लेकिन सरकार को सोचना चाहिए किस तरीके से कराना चाहिए, सब बाढ़ से कोरोना से निपटने के बाद ये सब होना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका बिहार न्यूज से बातचीत करने के लिए। बिहार न्यूज के माध्यम से हम चाहेंगे कि आपके क्षेत्र की जो प्रमुख समस्या है, जो बाढ़ की स्थिति है, ये सरकार की नजर में आए, सरकार इस समस्या पर ध्यान दे और जल्द से जल्द कोई उचित कार्यवाही करे जिससे आपके क्षेत्र के लोगों को मदद मिले। तो ये थे हमारे साथ लाइव बातचीत करने के लिए ग्राम पंचायत रसूलपुर के वर्तमान मुखिया मनुलाल भगत, जिन्होंने बताया कि इस वक्त उनके क्षेत्र में बाढ़ की समस्या से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बाढ़ की समस्या विकराल रूप ले चुकी है, लोगों को रहने और खाने की दिक्कतें हो रही है और सरकार की तरफ से अभी तक ना तो वहां कोई अधिकारी पहुंचा है और ना ही कोई सरकारी सहायता। मुखिया जी अपनी तरफ से राशन और पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, इसके साथ ही उन्होंने बताया कि यहां स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति भी अच्छी नहीं है, अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उसके इलाज की भी कोई व्यवस्था नहीं है। इस तरह की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे बिहार न्यूज़।